लेकिन अजाए शह को है दरकार जिंदगी, लेकिन अजाए शह को है दरकार जिंदगी। तो जिक्रे उदुए हैदरे कर्रार मौत है, जिक्रे उदुए हैदरे कर्रार मौत है, जिक्रे उदुए हैदरे कर्रार मौत है, मधो सनाए हैदरे कर्रार जिंदगी। जिक्रे उदुए हैदरे कर्रार मौत है, मधो सनाए हैदरे कर्रार जिंदगी। जिक्रे उदुए हैदरे कर्रार मौत है, मधो सनाए हैदरे कर्रार जिंदगी। तो कर्बोबला ने फतेह के मानी बदल दिए, कर्बोबला ने फतेह के मानी बदल दिए। अब तक था जीत के लिए मेयार जिंदगी, अब तक था जीत के लिए मेयार जिंदगी। कर्बोबला ने फतेह के मानी बदल दिए, अब तक था जीत के लिए मेयार जिंदगी। तो अंसार कह रहे थे फिदा होंगे शाह पर, अंसार कह रहे खालिक से घर मिले हमें सौ बार जिंदगी, खालिक से घर मिले हमें सौ बार जिंदगी, खालिक से घर मिले हमें सौ बार जिंदगी, खालिक से घर मिले हमें सौ बार जिंदगी। तो तशना लबों के जिक्र का एजाज देखिए, तशना लबों के जिक्र का एजाज देखिए, बेआब जिंदगी, बेआब दश्त में भी है गुलजार जिंदगी। तशना लबों के जिक्र का एजाज देखिए, बेआब दश्त में भी है गुलजार जिंदगी। तो कर्बोबला के बाद लुगत ने यही लिखा, कर्बोबला के बाद लुगत ने यही लिखा, बयार जिंदगी, बयात फना है और है इनकार जिंदगी, बयात फना है और है इनकार जिंदगी। माबूद ने ना दी है अबस यार जिंदगी, बंदे की बंदगी से हो सरशार जिंदगी, बंदे की बंदगी से हो सरशार जिंदगी। आए ना ऐसा वक्त खुदा से है इल्तिजा, हालात मुफलिसी से हो दो चार जिंदगी। मर जाए हम अली की जियारत के वास्ते, लेकिन अजाए शह को है दरकार जिंदगी। जिक्र उदुए हैदर एक कर्रार मौत है, जिक्र उदुए हैदर एक कर्रार मौत है, जिक्र उदुए हैदर एक कर्रार मौत है, मधो जिंदगी। कर्बोबला ने फतेह के मानी बदल दिए, अब तक तजीद के लिए मेयार जिंदगी। अंसार कह खालिक से घर मिले तो लगता है ये की है फिदा हुसैन पे दो बार जिंदगी, की है फिदा हुसैन पे दो बार जिंदगी। यकता है ये हबीब मजाहिर की मनकबत, यकता है ये हबीब मजाहिर की मनकबत, की है फिदा हुसैन पे दो बार जिंदगी। तो हुब्बे अली से है गुलो गुलजार जिंदगी, हुब्बे अली से है गुलो गुलजार जिंदगी, हुब्बे अली ना हो तो है बेकार जिंदगी। और अब वो शेर जिस शेर के लिए इतने सारे शेर कहे हैं, हुब्बे बंदे की बंदगी से हो सरशार जिंदगी। यकता है ये हबीब मजाहिर की मनकबत, की है फिदा हुसैन पे दो बार जिंदगी। तो बादे रसूल फातिमा जहरा के बहन थे, बादे बहन थे, बादे रसूल फातिमा जहरा के बहन थे। बाबा तुम्हारे बाद है दुश्वार जिंदगी, बाबा तुम्हारे बाद है दुश्वार जिंदगी, बाबा तुम्हारे बाद है दुश्वार जिंदगी। तो मुमकिन नहीं है कांटों से हो गुल का इत्तेहाद, मुमकिन नहीं है कांटों से हो गुल का इत्तेहाद। आकिल कभी करेगा, आकिल कभी करेगा ना पुरखार जिंदगी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवान। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह जनाबे गुल काजमी साहब, बेहतरीन अशआर पेश फरमा रहे थे, आप हजरात महसूस हो रहे थे। गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, आप हजरात नौजवानों से गुजारिश है, बुजुर्ग जहां बैठे वहीं बेहतर है, सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले आए। जो लोग बाहर तशरीफ रखते हैं उनसे मैं रोजाना गुजारिश कर रहा हूँ, आज बसत खुलूस गुजारिश कर रहा हूँ। उस्ताद शौरा अली जनाब डॉक्टर शौर आदमी साहब,
तशरीफ ला चुके हैं जो नजराने अकीदत पेश करेंगे। हमारी खुश नसीबी है आप हजरात तशरीफ ले आए। बाहर आवाज पहुंच रही है लेकिन फर्शे अदा पे बैठने का बहुत ज्यादा सवाब है मेरे दोस्तों। ये हमारी खुश नसीबी है आप हजरात बेहतरीन अशार सुनेंगे डॉक्टर साहब से, लिहाजा गुजारिश करो आप फर्शे अदा पर तशरीफ लाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा कर सके। ये नौजवान बीच में जगह बहुत है, तशरीफ लाए भाई आगे जो है सिलसिला अभी थोड़ी देर में ऐसा हो जाता है, बार बार इतना मजमा हो जाता है माशाल्लाह। अगर अभी आप हजरात आ जाए तो बाद में आने वाले पीछे बैठेंगे मिलजुल के एक सलवात बावत बुलंद। मैं दो शेर पढ़ता हूँ उस्ताद के इस्तकबाल में और शेर भी सरवर नवाब साहब के, जैसा शायर होता है वैसा इस्तकबाल होता है। आ जाए आप लोग भाई सामने, मैं देख रहा हूँ मुसैब चाचा आ जाए आप लोग, डॉक्टर साहब को सुनना है आ जाए आप लोग, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ ले आए। सरवर नवाब साहब ने फरमाया डॉक्टर साहब जाहिद साहब तशरीफ लाइए डॉक्टर साहब को सुनना है, थोड़ा सा आप लोग आमादा रहेंगे तो बहुत अच्छे शेर सुनेंगे डॉक्टर साहब से। सरवर नवाब साहब ने फरमाया डॉक्टर साहब, मतलब सरवर नवाब साहब का कि ये हुक्म है कि गुजारिश के इल्तिजा क्या है। मुलाजा फरमाए पढ़े लिखे हजरात हैं, ये हुक्म है कि गुजारिश के इल्तिजा क्या है, इमाम के लिए ज़ैनब का मशवरा क्या है। भाई मुलाजा फरमाए शेर पढ़े लिखे हजरात हैं, ये हुक्म है कि गुजारिश के इल्तिजा क्या है, इमाम के लिए ज़ैनब का मशवरा क्या है, खुदा ही जाने तबस्सुम की इंतहा क्या है, खुदा ही जाने तबस्सुम की इंतहा क्या है, अगर ये पहला कदम है तो दूसरा क्या है, खुदा ही जाने शुक्रिया, खुदा ही जाने तबस्सुम की इंतहा क्या है, अगर ये पहला कदम है तो दूसरा क्या है। और शेर सुने कि इधर हुसैन का अब्बास ने पढ़ा चेहरा, इधर हुसैन का अब्बास ने पढ़ा अल्लाह अकबर के, इधर हुसैन का शुक्रिया। इधर मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ, एक भी शेर ना पढ़ता कि आप आमादा हो जाए उस्ताद से अच्छी शायरी सुननी है, और इसलिए सरवर नवाब साहब के मित्रों का इंतखाब किया कि इधर हुसैन का अब्बास ने पढ़ा चेहरा, उधर समझ गए अल्लाह चाहता क्या है। और शेर सुने, उधर समझ गए अल्लाह चाहता क्या है, हजार यूसुफे दौरा हो लेकिन अहले अदा। डॉक्टर साहब के हजार है लेकिन अहले अदा, अगर हुसैन ना हो इश्क में मजा क्या है। के हजार यूसुफे दौरा हो लेकिन अहले अदा, अगर हुसैन ना हो इश्क में मजा क्या है, अगर हुसैन ना हो इश्क में मजा क्या है। डॉक्टर साहब के ही मिसरे, चार मिसरे पढ़ता हूँ जो मैंने सारे हिंदुस्तान में कई बरस से मैं पढ़ रहा हूँ और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं कि हुर चला, क्या ख्याल पेश किया डॉक्टर साहब ने चौथे मिसरे में। जहाँ जहाँ भी पढ़ा गया सब लोगों ने यही कहा कि बिल्कुल नया ख्याल है, अछूता ख्याल है कि हुर चला हमराहियों से अपने ये कहता हुआ, जिसने छोड़ा दामने शब्बीर वो रुसवा हुआ, सात बेटे पाने की जितनी तिराही को खुशी, उससे बढ़ के हुर से खुश कुर्बान जब बेटा हुआ। सात बेटे पाने की जितनी तिराही को खुशी, उससे बढ़ के हुर से खुश कुर्बान जब बेटा हुआ, हुर चला हमराहियों से अपने ये कहता हुआ, जिसने छोड़ा दामने शब्बीर वो रुसवा हुआ, सात बेटे पाने की जितनी थी राहिब को खुशी, उससे बढ़ के हुर थे खुश कुर्बान जब बेटा हुआ। इन मिसरों के खालिक उस्ताद शोरा आली जनाब डॉक्टर शौर आजमी साहब से बसत अदब गुजारिश है कि मिंबर पर तशरीफ लाए और नजराने अकीदत पेश फरमाए। आप हजरात जिसको करबला जाने की जितनी जल्दी हो उतनी बुलंद सलवात पढ़े। हाँ तो भाई आज शायराना नहीं बल्कि वो बावर्ची के पपीते वाली हरकत करना है।
हो। गुलाम मस्कई साहब मरहूम ने मिंबर से कहा था कि उनके पास एक चिट्ठी आई मौलाना मसाहिब कुछ और अभी गोज गला नहीं है, तो यहाँ वो मसला नहीं है, ट्रैफिक में कहीं फंस गए होंगे मौलाना। बहरहाल जब तक सरकार तशरीफ नहीं लाते सिलसिला जारी रहेगा। इत्तेफाक से ये बयान बैग में पड़ी थी और मिल गई। ये समाज फरमाएं कि अली का नाम लिया और अलम उठा के चले। समाज फरमाएं कि अली का नाम लिया और अलम उठा के चले, जहाँ पे राहें न थीं रास्ते बना के चले। अली का नाम लिया, अली का नाम लिया और अलम उठा के चले, जहाँ पे राहें न थीं रास्ते बना के चले। और अलम उठाते ही यूं बढ़ गया सबाते कदम, अलम उठाते ही यूं बढ़ गया सबाते कदम, ज़ईफ जैसे असा का सहारा पा के चले। ज़ईफ जैसे अलम उठाते ही यूं बढ़ गया सबाते कदम, ज़ईफ जैसे असा का सहारा पा के चले। और झिझक थी दिल में, जुलूस में हम चलते हैं और हम तो भाई कंकरियों चले हैं जब ये शिवाजी नगर का रोड नहीं बना था, और ख़ास तौर से सोनापुर कब्रिस्तान में पुराने सभी लोगों को याद होगा कि वो ऐसी तलवे में छेद कर देने वाली गिट्टियाँ थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उस पर भी लोग चलते। समाज फरमाएं कि झिझक थी दिल में न लर्जिश थी पाँव में अपने, झिझक थी दिल में न लर्जिश थी पाँव में अपने, जो खालदारों को देखा कदम बढ़ा के चले। जो खालदारों को देखा कदम बढ़ा के चले, और इसी अलम ने रहे मुस्तकीम पर रखा, इसी अलम ने रहे मुस्तकीम पर रखा, निगाहें राहे अलमदार पर जमा के चले। निगाहें राहे अलमदार पर, और जिन्होंने ये ख़ास तौर पर सफ़े आखिर की नज़र है, ये शेर सरकार आप लोगों के लिए नहीं है, कि जिन्होंने छोड़ दिया ये निशाने दीने खुदा, जिन्होंने छोड़ दिया ये निशाने दीने खुदा, वो चारों सिमतों में हर आन लड़खड़ा के चले। अलम उठाते ही यूं बढ़ गया सबाते कदम, ज़ईफ जैसे असा का सहारा पा के चले। ज़ईफ जैसे, और जिन्होंने छोड़ दिया ये निशाने दीने खुदा, वो चार सिमतों में हर आन लड़खड़ा के चले। और सारे यूपी वाले सुने ये शेर कि नबी ने रोका था जिन राहों पर गुजरने से, नबी ने रोका था जिन राहों पर गुजरने से, उसी पे ऐसे मुसलमान अदबदा के चले। नबी ने कि नबी ने रोका था जिन राहों पर गुजरने से, उसी पर ऐसे मुसलमान अदबदा के चले। और दबा सका न हमें वजने लंगरो जंजीर, दबा सका न हमें वजने लंगरो जंजीर, पहन के तौके गिरा बार सर उठा के चले। पहन के तौके गिरा बार के परख लिया कि सफीना यही नजात का है। हमने न कभी शक किया है न कभी ये कहा है कि ये तो मानने ऐसी है और ये मानने ऐसी नहीं है, कि परख लिया कि सफीना यही नजात का है। फिर उसके बाद इशारों पे ना खुदा के चले। फिर उसके बाद और हमारे मरने में एक बागपन रहा है सदा, दिलों पर रंगे हिनाए वफा जमा के चले। और तमाशा देखने आए थे जो सरे मक्तल, तमाशा देखने आए थे जो सरे मक्तल,
वो लोग दांतों तले उंगलियां दबा तमाशा देखने आए थे जो तमाशा देखने आए थे जो सरे मक्तल वो लोग दांतों तले उंगलियां और मियां साहिल याद कर लीजिएगा कि यजीदी आबो नमक की रमक भी रह न सकी। यजीदी आबो नमक की रमक भी रह न सकी जहां से हुर्रे जरी खून में यूं नहा के चले जहां से हुर्रे जरी। और हबीब ने ये सिखाया कि बहरे नुसरत हक चले जो घर से वो दुनिया से हाथ उठा के चले। और ये लाजमी है ये कतबन दो शेर ये लाजमी है जो मंजिल रसी की ख्वाहिश हो तो राह रव कभी आगे न रहनुमा के चले। मगर करबला में एक मंदिर है कि मिले हैं मंजिले मेराजे इक्तिदा पे दोहर मिले हैं मंजिले मेराजे इक्तिदा पे दोहर वो मुक्तदी थे मगर आगे मुक्तदा के चले वो मुक्तदी थे मगर। और समाज फरमाए कि जो निखरा खाके तयम्मुम से जौन का चेहरा जो निखरा खाके तयम्मुम से जौन का चेहरा जनाबे यूसुफ़ कना भी सर झुका के चले। जो निखरा खाके तयम्मुम से जौन का चेहरा जनाबे यूसुफ़ कना भी सर झुका के चले। और हरम में कूचो बाजार में जो खुतबे दिए हरम में कूचो बाजार में जो खुतबे दिए वहाँ भी सिक्के दीने खुदा चला के चले। वहाँ भी और तड़प उठेगी सकीना मिली जो बूए हुसैन हवा से कह दो के खैमों से रुख बचा के चले। हबीबो अकबरो औनो मोहम्मदो असगर समाज फरमाएं कि हबीबो अकबरो औनो मोहम्मदो असगर सीनों में फ़र्क था लेकिन कदम मिला के चले। सीनों में फ़र्क था कि हबीबो अकबरो औनो मोहम्मदो असगर सीनों में फ़र्क था लेकिन कदम मिला के चले। मकाम और कोई मकाम और कोई आँखों में कब समाएगा मकाम और कोई आँखों में कब समाएगा बहिश्ती ही में तो ठहरेंगे करबला के चले। मकाम और कोई आँखों में कब समाएगा कि मकाम और कोई आँखों में कब समाएगा बहिश्ती ही में तो ठहरेंगे करबला के चले। और सफ़र तमाम किया हुर ने इत्मीनान के साथ हर एक नक्श कदम आईना बना के चले। और मिली लहत के अंधेरों की जब खबर हमको मिली लहत के अंधेरों की जब खबर हमको चरागे अश्के अदा पलकों पर सजा के चले। चरागे अश्के अदा पलकों पर और अली ने फुस तो कहा था लगी थी जब ज़रबत अली ने फुस तो कहा था लगी थी जब ज़रबत चले जहान से असगर तो मुस्कुरा के चले। चले जहान से असगर तो मुस्कुरा के चले। अब भरी जो दश्ते बला में हुसैन की सांसें नज़ाकत समाज फरमाएं कि भरी जो दश्ते बला में हुसैन की सांसें जहाँ सुमूम थी झोंके वहाँ सवा के चले। जहाँ सुमूम थी और उठा न सर तो ये थी गैरते जरी वरना उठा न सर तो ये थी गैरते जरी वरना
सेना की नोक पे बच्चे भी सर उठा के चले, सेना की नोक पे। और दरे बुतूल पा उसने ठहर के इज़्न लिया, दरे बुतूल पा उसने ठहर के इज़्न लिया, कुलंबिया भी इशारे पे जिस कदा के चले। और चूंकि ये ज़मीन मेरे नहीं थी, मक्ता समान फरमा ले, जो इस ज़मीन में किया कसदे शेर बोला शऊर, जो इस ज़मीन में किया कसदे शेर बोला शऊर, चराग लेके कहाँ सामने हवा के चले, चराग लेके कहाँ सामने। अब भाई पांच शेर और, ये तो तुम्हारी फरमाइश का था कि मैंने अपनी मर्जी वाला कहाँ पढ़ा। समाज फरमा लें एक मुमासलत माँ और बेटी की, कि ज़ैनब का हाल था वो शहे करबला के बाद, ज़ैनब का हाल था वो शहे करबला के बाद, जो हाल फ़ातिमा था रसूल खुदा के बाद। और जब तक थी जिंदा फ़ातिमा रोई रसूल को, ज़ैनब के आंसू भी न थमे नैनवा के बाद। और शोलों की नज़र सिर्फ दरे फ़ातिमा ही था, शोलों की नज़र सिर्फ दरे फ़ातिमा ही था, ज़ैनब के खैमे जल गए शाहे हुदा के बाद। और ज़हरा के फ़र्क़े पाक से चादर छिनी न थी, ज़हरा के फ़र्क़े पाक से चादर छिनी न थी, ज़ैनब तो बेरदा थी शहीद जफा के बाद। ज़हरा की पुश्ते पाक पे दुर्रे लगे न थे, ज़हरा की पुश्ते पाक पे दुर्रे लगे न थे, ज़ैनब ने दुर्रे खाए शहे करबला, ज़ैनब ने दुर्रे खाए। और ज़हरा के दिल का चैन हुसैन व हसन तो थे, ज़हरा के दिल का चैन हुसैन व हसन थे, हुसैन व हसन थे, हुसैन व ज़हरा के दिल का चैन हुसैन व हसन तो थे, ज़ैनब जिए तो किसके लिए करबला। और ढारस थी जिनके दम से हुए सब के सब शहीद, ढारस थी जिनके दम से हुए सब के सब शहीद, ज़ैनब के दिल को चैन न था करबला के। हजरात एक ऐलान समाप्त फरमा लें, इंशाल्लाह कल दिन में इसी मुकाम पे एक मजलिस बरसी आले हसन साहब के बरसी की मजलिस है, जिसको खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन नूरी साहब क़िबला। कल दिन में ठीक 11 बजे इसी मुकाम पे मजलिस बरसी का इनेकाद किया गया, जिसको हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन नूरी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। उसके बाद तमाम मोमिनीन के लिए नजर मौला का अहतमाम किया गया है। आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल दिन में शिरकत फरमाएं। 10 बजे कुरान खानी होगी और 11 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी, मौलाना सैयद ज़की हसन नूरी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आइए मैं बड़े अदब के साथ बसत खलूस गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला से के मिंबर पर तशरीफ लाए। आप हजरात मिलजुल के एक सलवात बावाद बुलंद इरशाद फरमाएं। आ गया जी, बस मोहम्मद वाले मोहम्मद चालू है।
थोड़ा 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 और आगे आ जाए। फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات على محمد इतरत बेगम मरहुमा बिनते इक्तदार हुसैन अफशा बेगम बिनते रशीद हुसैन नरजिस बेगम बिनते फरजंद हुसैन कमर अली इब्ने मुश्ताक अली शब्बर अली इब्ने मुश्ताक अली इशफाक अली इब्ने मुश्ताक अली मासूम रज़ा इब्ने शेख कलीम सैयद कल्बे हसन इब्ने शौकत हुसैन मरहूमीन की रूहों को एक बार सूरह हम्द और तौहीद की तिलावत फरमा के ईसाल फरमा दें। जो लोग मुस्तकिल आ रहे हैं उनको तो पता है कि कहाँ से चले हैं कहाँ जाना है। ये और बात है कि एक दिन और होती तब और सही से जाते, लेकिन वो बीच में जो है वो बताया ना जाम लग गया तो बाईपास से जाना पड़ा तो वो वापस गया मामला वही डिस्टर्ब। तो जो लोग शुरू से आ रहे हैं उनको पता है, जो देर में जिन्हें इत्तला मिली आज तशरीफ लाए उनके लिए 5 मिनट। शद्दू भाई बात यहाँ से चली थी कि अल्लाह ने फरमाया कि ए मोमिनो ऐ साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहले दिन की मजलिस में ये तय हुआ कि सच्चे कौन हैं। हम और आप जिसको सच्चा समझते हैं वो अलग है, कुरान जिनको सच्चा कहता है वो अलग है। और उसके बाद ये तय हुआ कि वो सच्चे कौन हैं कुरान के रूह से। खुलासा उसका बात आके यहाँ रुकी कि अहले बैत 4 का तो बाई नेम तस्करा है कुरान में। अब ये एतराज़ मत कीजिए, इसकी वजाहत हो चुकी है बाई नेम की। सलावत मोहम्मद
और फिर उस आयत से जब इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन को मुत्तसिल किया गया और फिर इसको मनकुन तो मौला से मुत्तसिल किया गया, तो तय हुआ कि साहब वो हमारे इमाम तक ये सिलसिला है सादिकीन का। कुरान ने कहा कि सिर्फ सच्चों के साथ होना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके पहले तुम्हारे अंदर तकवा होना चाहिए। तो अब ये तय हुआ कि भाई तो भाई तकवा किसे कहते हैं, तो तकवे में पूरे मजलिस के बाद आखिर में निचोड़ ये निकला कि वाजिब छूटने न पाए और हराम पर अमल होने न पाए। फिर जब यहाँ तक आए तो ये हुआ कि साहब ये गुनाह जो है उसकी दो किस्में हैं, एक छोटा गुनाह गुनाह है सगीरा और एक बड़ा गुनाह जिसको कहते हैं, अभी तक मैंने इसको नहीं पढ़ा, आपके ज़ौक के लिए अर्ज़ कर दें कि इस पर पूरी किताब है शहीद दस्तगैब की, गुनाहाने कबीरा, उनकी एक किताब और है कल्ब सलीम। तो होता है ना लोग जज्बात में नारा लगाते हैं, तो एक दिन ऐसे ही किसी उसमें आए, कुछ तकरीर वकरीर करनी थी, तो एक ने जज्बाती में होकर ये कहा कि साहेब गुनाहाने कबीरा की हिफाजत के लिए सलवात, समझिया। तो सलीमुत्तबा आदमी थे तो धीरे से कहा हे भैया मैं साहेब कल्बे सलीम भी हूँ, सलवात पर मोहम्मद। तो बाकायद तो आप गुनाह की हुई दो किस्में, एक है गुनाह कबीरा और एक है गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा की डेफिनेशन क्या थी वो बयान हो चुकी, फिर गुनाह कबीरा कितने हैं उनकी तादाद बयान की गई, सब तो नहीं हो सकता था, लेकिन जो हमारी मजलिस से मरबूत हो रहा था हम उधर गए और आज भी उसमें कुछ चीज़ें बची थी जाना था, मगर अब वक्त ही नहीं तो जाएँ कहाँ, वरना और थोड़ा बढ़िया होता। तो आखिर में यह हुआ कि गुनाहाने कबीरा 7 से लेके 32 तक रिवायात में गिनाए गए हैं, उसमें एक गुनाह है जिसको कहते हैं हबसुल हुकूक। हबसुल हुकूक पर कल बाकायदा गुफ्तगू हुई, किसी का हक मार लेना, उसकी जुर्म क्या है, उसकी सज़ा क्या है। यहाँ तक रिवायात में है इमाम ने फरमाया कि मन हबसा हक्कल मोमिन, अगर कोई किसी मोमिन का हक दबा ले तो अकामहुल्लाह ताला 500 आम अला रिजले, अल्लाह उसको क़ियामत में 500 बरस खड़ा कर देगा काहे पर, पैरों के ऊपर, हत्ता तसील दमहु औ इरको, यहाँ तक के उसका पसीना या खून बहना शुरू हो जाएगा। ये था मुकदमा और फिर कल की मजलिस जहन में है। आखिर में ये जुमला कहा गया कि जब आम आदमी का हक मा, और एक जगह ये भी है कि पहले कहा गया मन हबसा हक्कल मोमिन, फिर उसके बाद इमाम फरमाते हैं ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा ये है अल्लाह का हक मारने वाला। तो कल यहाँ बात आके रुकी कि जब मोमिन का हक मारने की सज़ा ये है एक, और मोमिन के हक़ को इमाम कहते हैं अल्लाह का हक है ना, दो। तो जब मोमिन का हक मारने वालों की सज़ा ये होगी, तो अगर कोई वक्फ दबा ले, अगर कोई इमाम हुसैन का दबा ले तो उसका तो हश्र और बुरा होगा। उसके बाद आज ये होना था कि जब मोमिन के हक मारने की सज़ा ये है, गोया उसने अल्लाह का हक गस्प किया, तो अगर कोई फातिमा का फदक हथिया ले, ये बात यहाँ तक आई। अब यहाँ से सवाल होगा कि फातिमा का फदक किसने हथिया लिया, जो आपने कल इशारा किया सलावत बर मोहम्मद, किसने हथिया लिया भाई। तो अब इसके लिए वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी देखिए, पैगंबर जब हजरत ने मक्के से हिजरत फरमाई मदीना, तो मदीने में या साहब वगैरह किसी कोई प्रॉपर्टी तो थी नहीं, ये बेचारे अंसार सहाबा इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया
अपने घर रखा, खाना पीना जगह जमीन सब कुछ किया इन लोगों ने। अब उसके बाद ये हुआ कि जंगें शुरू हुई, बद्र हुई, खैबर हुई, खंदक हुई, ये जंगें शुरू हुई। तो जंगों का ये कानून था कि जो कुछ जंग में जीतते थे उसको क्या कहा जाता है, माले गनीमत। माले गनीमत में सबका हिस्सा है, वो चाहे फौजी हो, आम सिपाही हो, जनरल हो, चाहे जो हो, माले गनीमत में सबका हिस्सा है। अलबत्ता खुम्स की बात अलग, हमारा मौजू नहीं है उधर जाए कि माले गनीमत कैसे तकसीम होगा। उसके अलावा तो कुछ माल तो हासिल हुआ गनीमत के तौर पर, जब गनीमत के तौर पर है तो उसमें सारे फौजी शामिल हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज और बोला जाता है गनीमत के मुकाबले में, जिसको कहते हैं नहला या फई, दोनों लफ्ज बोला जाता है। क्या नहला? नहला क्या है? नहला यह है कि कोई जंग नहीं हुई, मुसलमानों ने कोई तलवार नहीं चलाई, अल्लाह ने किसी जरिए से अपने नबी को दे दिया। तो चूंकि फौजियों का इसमें कोई रोल और कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए सिपाहियों पर यह माल नहीं बटेगा। वो खालिस किसका हक है, बोलिए, रसूलुल्लाह का। यह एक आम कानून है। जब खैबर फतह हो गया, सलवात दर मोहम्मद वाल, ये कैसे खैबर के बाद का, तो जो फदक के बासी थे, यहूदी थे, उन्होंने कहा रे बाप रे बाप, जब खैबर वाले कुछ नहीं कर पाए तो हम सब क्या है। जो रिवायात कहती है, भैया अपना गेट मार दिया, रसूलुल्लाह ने दूर से दिखलाया चाबी ये है, आपको कैसे मिली? हजरत ने कहा जब खुदा, यहूदी मूसा को नबी मानते हैं ना, जब अल्लाह मूसा के लिए नील में रास्ता बना सकता है तो तुम्हारे कले की चाबी भी हमको दे सकता है। एक और मौजजा आ गया। खैबर वाले केस से दहशत में थे ही, ये चाबी कांड ने और उनको काम कर दिया। वो आए कल, देखिए अकलमंदी भी यही है। एक बात बता दें, हम फिर वही कहता हूँ, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, वरना हमारे देहात की जबान में इतने बड़े बड़े मफाहीम हैं, ये हमारे गांव की जबान में है, कहीं मारे मरदई, कहीं भागे मरदई, है या नहीं है? हर जगह ताव मत देख लो। हाँ, परसों नरसों वाली रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिसालतुल हुकूक कुछ बचा हुआ था, तो वो लास्ट बिल्कुल स्टेज पे था, तो उसमें आखिरी हदीस यही आई, और बड़ा काम किया उसने मुझको मोटिवेट करने में। तो ग्रुपबाजी चल रही थी, तो एक ग्रुप का आदमी आ गया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास, आके कहने लगा मौला बहुत हो गया, मैं बैक होना चाहता हूं। उसने अपने दिल की बात कही कि मेरा मिजाज ही नहीं है लड़ाई झगड़े का, पार्टीबाजी का, मैं बैक होना चाहता हूँ, मगर मेरी पार्टिया वाले कहते हैं बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल आज की तरह है कि नहीं है? आज की तरह बिल्कुल चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है? मौला मैं चाहता हूँ बैक हो जाऊं। मुझसे एक साहब ने पूछा, इसी में है ना, क्या हुआ, चेंज हो गए? मैंने कहा इसी हदीस ने मुझको चेंज किया, सलवात दर मोहम्मद, सुनिए। तो कहने लगा मौला मैं सोचता हूं बाइक हो जाऊं, मगर मोरे सथियाए कह रहे हैं अबे पीछे हटोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, आप क्या फरमाते हैं? इमाम ने कहा मैं कहता हूं कि बाइक हो जाओ, और ये जो लोग कह रहे हैं चढ़ा रहे हैं ना बड़ी बेइज्जती होगी, बस बोल गए।
इमाम ने फरमाया इन्नमज़लील अज़ालिम, कोई बेइज्जती नहीं होगी, बेइज्जत सिर्फ जालिम होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बेइज्जत सिर्फ। तो समझदारी यही है, जितने समझदार लोग हैं वो पैसा खर्च कर लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। अकलमंदी यही है। मुकदमेबाजी से बचो बजाय कचहरी में खर्चा करने के, जिससे झगड़ा उसी में खर्चा कर दो। समझदारी यही है। फतक वाले समझदार निकले खैबर के मुकाबले में, वो आ गए कहने साहेब हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते, हम अपनी औकात समझ गए ना, हम लोग लड़ेंगे नहीं। कह तो सुलह कर ली जाए। उन्होंने खुद ऑफर किया कि साहब ये फतक का इतना हिस्सा जो है हम आपको दे देते हैं और हमारे आपके सुलह हो जाए। पैगंबर ने कहा ठीक है। अब वो फतक उन लोगों ने दे दिया। बाज रिवायतों में मैंने आपसे उस दिन कहा भी था कि 1975 तक के बताऊंगा, लेकिन अब टाइम नहीं है। तो बाज रिवायतों में है कि तकरीबन 120,000 सालाना फतक की आमदनी थी। और भी रिवायतें मुख्तलिफ हैं, तो अगर एक मजलिस और बची होती तो फिर लेके बैठते अपना लैपटॉप हम, और फिर पूरा सनवाइज करते कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, किसने छीना, किसने वापस किया। ये एक बार थोड़े हुआ है, बाद में भी बहुत हुआ है। एक आता था वापस करता था, एक आता था छीन लेता था, उसके भी वक्त रहा तो वजह अर्ज करूँगा कि क्यों छीनते थे क्यों वापस करते थे। सलवात दर मोहम्मद। अब ये हो गया, रसूलुल्लाह आए मदीना। जैसे लगता है कि जिब्रील तड़े बैठे थे, आइए समझ गया। जैसे ही मदीना पहुंचे हजरत, जिब्रील आयत लेके आ गए, क्या वआतिदल कुर्बा हक्का, कुर्बा को उनका हक दे दीजिए। अब जो रिवायत कहती है, इधर आयत नाजिल हुई, पैगंबर ने फरमाया बेटी खुदा का हुक्म ये है। अच्छा हाँ, तो कानूनी एतबार से फतक क्या है, माले गनीमत है। कोई फौज ने तो कुछ किया नहीं, वो तो डायरेक्ट रसूलुल्लाह को मिला है ना, तो माल किसका हुआ, रसूलुल्लाह का है। तो अब जब रसूलुल्लाह का है तो अल्लाह ने कहा आप दे दीजिए। वह आते दल कुर्बा हक का, कुर्बा को उनका हक दे दीजिए। मौला पैगंबर ने जनाब फातिमा को बुलाया और फरमाया कि ये खुदा का हुक्म है और ये फदक मैं आपको हिबा करता हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, लाइन दूसरी। अगर जो है वो आपके वकील ने मुकदमे की स्क्रिप्ट सही नहीं लिखी है तो रास्ता बदल जाएगा। सारा झगड़ा मीरास पर होता है। ये बाबा मीरास कहाँ है, ये तो जिंदगी में रसूलुल्लाह दे के गए हैं ना, तो मीरास का झगड़ा ही नहीं है। लिहाजा आप जो कह रहे हैं माँ तरकना हो सदका, हम लोग न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, हम जो छोड़ के जाए वो सदका है, छोड़ के कहाँ गए, वो तो दे के गए। उसमें हुआ ये, मैं फतक बहुत नहीं पढ़ूंगा उसकी, इसको मैं बना रहा हूं आगे कहीं जाने के लिए। खैर दे दिया, उस पर गवाही भी हुई, मौलाए कायनात ने गवाही की और भी कुछ लोगों ने गवाही की, असमा बिनते उमैस तो घर ही की थी। बहरा, अरे असमा कह रहा हूं भाई, वो उम्मे अयमन सलवात दर मोहम्मद वहां, अभी मुकदमा करता। खैर पैगंबर ने दे दिया और कहा कब्जा कर लो। जो एक तकल्लुफ बाप और बेटी के दरमियान होना चाहिए, वो भी जनाब फातिमा और रसूलुल्लाह के,
फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का बाबा कब्जा का क्या मतलब है? अरे आपके पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, आपके पास है। फरमाया नहीं, मसलहत है कि कब्जा कर लो, इसलिए कि पैगंबर जानते थे कि कल को क्या होने वाला है। कब्जा हुआ और अब जनाब फातिमा के आदमी मजदूर मैनेजर सारा वहां काम करते थे और उसकी आमदनी आती थी। हो गई बात, यही रुक के चलिए। अगर लाख रुपया साल की आमदनी है, 1,20,000, तो महीने कितना हुआ? 10,000। 10,000 ना शद्दू भाई, आज से 40-50 साल पहले बंबई आए होंगे आप, कई रुपया कमा लेते थे, 50 रुपया, 100 रुपया, है ना, 200 रुपया, यही ना। हमारे दादा कहते थे कि अजी मुझको सेंट थॉमस में नौकरी मिली तो मेरी तनख्वाह 20 रुपया थी, समझे आप, 30 रुपये। और फातिमा की आमदनी 1400 बरस कितनी थी? 10,000। और उसके बावजूद, इसको समझ लिए तब आगे काम देगा, उसके बावजूद कभी मालूम हुआ फाका हो रहा है, कभी कुछ। हे भैया, जिसके लाख रुपए, जो उस जमाने का लखपति हो, चक्कर क्या है कि वहां फाका हो रहा है? सलावत दर मोहम्मद वहा। अभी रुकिए, जल्दी से वापस। खैर, दे दिया, कब्जा हो गया, आमदनी आने लगी। वो कहां जाती थी अभी समझ में आ जाएगा। हजरत का इंतकाल हो गया, रसूलुल्लाह की वफात हो गई। वफात पैगंबर के बाद एक दिन मैनेजर साहब भागे भागे आए, क्या हुआ? कहा साहब कब्जा कर लिया, भगा दिया हम लोगों को। प्रॉपर्टी किसकी है? मौला की कि जनाब फातिमा की? जनाब, अच्छा घर के मालिक तो आप हैं ना, तो जाहिर है जनाब फातिमा ने देखा मौला की तरफ। मौलाना कहा भाई चीज आपके वालिद की, आप देखिए उसकी मसलहतें हैं, इस पर बहस होना चाहिए। अब आज एक दिन में नहीं होगी, इंशाल्लाह अगले साल आप देखिए। जनाब फातिमा गई, क्या बात है, वो चीज जो मेरे बाप ने मुझको दिया था वो तुमने मुझसे क्यों वापस ले लिया, छीन लिया है? आज के भी दुनिया के अल्लाह में यह है कि कब्जा दलील मिल्कियत है, आज भी आपको साबित करना पड़ेगा कि इनका नहीं है। हमको क्या, हमारे पास तो आई है, हम तो जोत बो रहे हैं ना। जो चीज मेरे बाप ने मुझको दिया था उसको तुमने, बोलिए, वापस क्यों, छीन क्यों लिया? वापस का लफ्ज़ तो गलत, छीन क्यों लिया? गच्छा आपके बाबा ने दिया था, इससे पूछे कोई दिया नहीं था तो कब्जा कैसे था? दिया नहीं था तो इनके आदमियों को भगाया किस बुनियाद पर आपने? आपके पास कोई गवाह है? अब समझे आप कि हमने कूनू मास सादिकीन से स्टार्ट क्यों किया था और सच्चों की फेहरिस्त पहले दिन क्यों सुनाई थी? फातिमा जहरा कुरान की नस से सिद्दीका है। अब अगर कोई उनसे गवाह मांगता है तो फातिमा से गवाह नहीं मांग रहा है, कुरान का इनकार कर रहा है। छुपे हुए कातिलों पर नारा देश।
तो हम तो इसी पर ख़त्म हो गया ना मामला, कि जब आपने उनसे गवाह मांग लिए, गवाह किस, अगर आपको यकीन होता कि ये सिद्दीका हैं तो गवाह मांगने की ज़रूरत थी? गवाह मांगने का मतलब कि आपको कुरान पर एतबार नहीं है, हो गई ना बात। हम झगड़ालू बातें नहीं करता, मगर ये जो बिल्कुल सामने की अकल की बात है, आदमी चाहे जितनी नमाज पढ़े रोज़ा रखे, अगर कुरान ही का इनकार कर दे भाई, जितेंद्र तो आप जितेंद्र हुए ना, लेकिन जब खाली 26 का इनकार किया था तब भी तो आप लानत कर रहे थे। तो कुरान का जो इनकार कर दे, कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब? नहीं हो सकता ना। अब आइए, लेकिन देखिए, अब यहां पर हमारे मिजाज में अहले बैत में फर्क, हमको झूठा समझ रहे हैं, शर्म नहीं आती? हमसे गवाह मांग दिया था आप, हम लोग ऐसे ही ताव खाते हैं ना। दीन कहता है ताव ना खाओ, देखो ही बेटा जाते कहां तक है, भाई इसको सुन लीजिए। तो हजरत ने कहा ठीक है, ले आएंगे गवाह, ले आएंगे, चलो। गवाह कितने गए? अली सलामुल्लाह अलैह, इमाम हसन, है ना, दो भाई ये मौला, तीन, उम्मे ऐमन, चार। ये चार गवाह जनाबे फातिमा लेके, बोलिए, पहुंची है, हो गई बात। अब आइए, कुरान, पैगंबर भी आगे देख रहे हैं क्या होना है, और बोलिए, कुरान तो पूरी तैयारी से बैठा। ये बात मैंने उस दिन कहीं कही है किसी जगह, के अल्लाह चाहता तो बजाय मोजज़े से मरियम को बेटा देने के, एक कुफो पैदा कर देता ना, जैसे फातिमा के लिए अली खल्क हो गए, वैसे ही मरियम के लिए एक मासूम पैदा कर देता, झंझट खत्म थी। नहीं साहब, मासूम नहीं पैदा करेंगे, चाहे मरियम जितना टेंशन हो जाए, पालने वाले क्यों? काम आगे देख रहे, तुम्हारे चक्कर में कर रहे, हमारे चक्कर में का देखो हुआ क्या, पैदा हो गए, पब्लिक ने कहा साहब कैसे, तो ईसा बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, हजब नहीं खुदा कहे कि कल को अगर काबे से कोई बच्चा निकल के पैगंबर के हाथ पे बोले, तो कैसे साबित करोगे? कह देना जब ईसा बोल सकते हैं तो अली क्यों नहीं बोल सकते? तो इसका मतलब यह कि बहुत हिसाब से चला जा रहा है ना, सलावत दर मोहम्मद वाह। शुगर उगर के बाद जानते हैं भूलने का मरज़ बहुत है, तो 3 मिनट रुक जाते हैं, सोचते हैं कहाँ थे। ये एक बड़ी दिक्कत मेरे साथ है भाई, आधा घंटा बचा है पढ़ लेना, तो बाबू सलावत दर मोहम्मद खूब। तो ये चार गवाह गए, मौला, इमाम हसन, इमाम हुसैन और उम्मे ऐमन, कुछ बोल तो सकते नहीं। तब तक एक आदमी खड़ा हो गया, इसीलिए मैं उसको इशारे में वकीलवा कहता हूँ, और क्या करें, मजबूरी है। देखिए, इमाम हुसैन में और जनाब फातिमा में एक फ़र्क यही है, आपसे माजरत के साथ, कि इमाम हुसैन के कातिल को जितना चाहिए आप चिल्ला लीजिए, मगर जनाब फातिमा के कातिलों का नाम लेना मुश्किल हो रहा है। गौर फरमा रहे आप, बहरहाल ये चार गवाह गए, वकीलवा ने कहा एक भी गवाही काबिले कबूल नहीं है। क्या मतलब? हमारे यहां कानून में, फिक्ह में एक कानून है जुल यद। जुल यद क्या है?
कि किसको इस चीज से फायदा पहुंच सकता है, किसको बोलिए इस चीज से फायदा पहुंच सकता है, बेनिफिट। बात समझ में आया? उसने साहब इस कानून को लिया पकड़ का, चूंकि इनकी बीवी की प्रॉपर्टी है और ये इनके पास पलटेगी तो फायदा इन्हीं को मिलेगा, तो ये गवाही नहीं देंगे तो कौन देगा, लिहाजा इनकी गवाही बोलिए नहीं मानी जाएगी। अब समझे रसूलुल्लाह ने पहले ही क्यों कहा था गवाही नहीं मानी जाएगी, का मतलब क्या हुआ? यानी ये गलत बोलेंगे, गलत बोलेंगे मतलब खिलाफ है हक बोलेंगे, यही ना हुआ? अली खिलाफ है हक बोल रहे हैं, इसीलिए पैगंबर ने पहले कह दिया था अली उन माल हक। वल्हक तो मा अली। अब अगर कोई अली को कहे खिलाफ हक तो वो अली का इनकार नहीं है, हदीस नबी का इनकार है, और जो नबी की हदीस का इनकार कर दे वो कुछ हो सकता है मुसलमान नहीं। ये एक हो गया। अब आइए इमाम हसन और हुसैन, एक तो वही चीज इनके यहां भी है, मां की प्रॉपर्टी है मिलेगी तो इनका तो भला होना ही है, ये गवाही देंगे तो नहीं तो और कौन गवाही देगा, और दूसरे ये कि साहब औलाद है ये, बेटे की गवाही मानी नहीं जाएगी। अब फिर वापस चलिए, खाली अली के तलावत का केस थोड़ी है जो मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया गया, जाके कुरान पढ़ लो कि जब माँ का मामला आता है तो बच्चे ही गवाही देते हैं। अस्मा बिनते उमैस, नहीं अस्मा भी है अस्मा भी है, अभी अभी याद है, अस्मा बिनते उमैस इनके बारे में क्या कहें? अब अस्मा कौन है? अस्मा बिनते उमैस एक्चुअल में भावच थी मौला की, जेठानी थी जनाबे फातिमा की, थी है नहीं, जनाबे जाफर तैयार से इनकी शादी हुई, जनाबे जाफर की शादी के बाद वो शहादत के बाद जब ये बेवा हो गए तो इनकी शादी हो गई वहां जहां केस चल रहा है। यानी क्या मतलब? बनी हाशिम के घराने की बहू थी, अली अलैहिस्सलाम की भावज थी, फातिमा की जेठानी थी, और जहां केस चल रहा है उसकी बीवी है, इनका क्या करोगे? लाया पड़ी दूर की कौड़ी, कह लगा आसमा की गवाही इसलिए नहीं कबूल कि ये बनी हाशिम के घराने की बहू रह चुकी है। लाया ना कौड़ी, तो हमने कहा इसी से बनी हाशिम के खानदान की अजमत समझ लो, जहां की बहू थी उसके हक में, जहां की है उसके खिलाफ। अयमन को क्या करें? अब तो मैं आज की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वरना ये लफ्ज थोड़ी था उस वक्त, बैकवर्ड है। ये उम्मे अयमन थी कौन? इसमें तो इतना गजब का काम किया है मौला ने या जनाबे फातिमा ने। उम्मे अयमन थी कौन? उम्मे अयमन एक्चुअल में कनीज थी, बोलिए रसूलुल्लाह की नहीं, और ऊपर अब्दुल्ला की, रसूलुल्लाह के वालिद अब्दुल्लाह के बाद मीरास में आई रसूलुल्लाह के, रसूलुल्लाह के बाद मीरास में आई फातिमा के, फातिमा उम्मे अयमन को लेके गई,
जितनी हदीसें गढ़ते जाओ लवारिस बनते हैं लवारिस बनाते हैं, तो ये उम्मे ऐमन क्या है? सलावा दर मोहम्मद वा बहरहाल खुलासा कलाम जनाब फातिमा मुकदमा हार गई, वापस आ गए। एक दिन मौला ने कहा फिर जाइए और ऐसा जाइए कि वो वकीलवा ना हो। फिर आ गई। अब क्या है? कभी हाय क्या, मेरे बाप की चीजें मुझको दो, तो अब क्या करें? कहने नहीं हो, आपका मर्तबा बहुत और आपकी मक्का लोग ये सब भी बहुत करते हैं, सबकी तारीफ पर आइठने मत लगिए, ये समझिए वो कह क्यों रहा है तारीफ तुम्हारी। अरे साहब आप तो शायद रसूलुल्लाह की जो है वो फला है ये है वो है, मगर हम क्या बताएं साहब, हम मजबूर हैं। मजबूरी क्या? आपके बाबा ही से तो मजबूर है मेरे बाबा। अब समझ में आया, जनाबे जकरिया के औलाद नहीं हो रही थी। हाय कहने लगे अल्लाह बेटा दे दे। यारे सोनी व यारे सो मिन आले याकूब इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, ये खंदनिया वालों से बड़ा डर मुझको लग रहा है, अल्लाह एक बेटा दे दे जो मेरा भी वारिस हो और मेरे आले याकूब का पूरा वारिस हो। अल्लाह ने सुन लिया, बेटा दे दिया। ये किस्सा कुरान में ना आता तो कौन सी मुसीबत आ जाती? पता नहीं 125,000 में कितने नबियों ने क्या क्या दुआ की, सबकी दुआ उसमें दर्ज है। कुछ समझ में आया? उन्हीं नबियों के किस्से कुरान में जगह पाने के लायक हैं जो किसी नहज से अहले बैत की फजीलत का हिस्सा। बीबी ने कहा क्या? कहा आपके बाबा से मजबूर है क्या भैया? कहा उन्होंने कहा है कि हम अंबिया लोग न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। माँ तरकना हो सदक़े, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है। ये बात जो हमने निकाला है ना नुक्ता, कि भैया छोड़ के कहाँ गए, वो तो दे के गए हैं ना। तो ये बात में जनाब फातिमा भी तो कह सकती थी, क्यों नहीं कहा? कहा भैया अभी तो कुछ दिन पहले कहा था, गवाह लेके आए, कहाँ माना इन सबों ने? तो अब निराश पर आओ, किस नहीं मान रहे हो ना, मैं बेटी तो हूं ना उनकी, अब लाओ। कहने साहब वो तो नबी वारिस ही नहीं बनाते। अब समझे आप जो कहते हैं ना कुरान अहले बैत का है। बीबी ने कहा मेरा बाप कुछ कह सकता कुरान के खिलाफ तो नहीं कह सकता। कहा क्या मतलब? कहा कुरान में है कि नहीं है कि जकरिया ने दुआ की पालने वाले बेटा दे दे मेरा भी वारिस हो और पूर। हजरत सुलेमान किसके वारिस बने? दाऊद के। तो ये कुरान ही में तो है। अब इसके दिमाग में मेरे कुरान में ये भी आयत है ना, वही फबो हैदी कफर। अब क्या करें? तो अब ये करना पड़ा, जब कोई जवाब नहीं मिला तो तारीख कहती है भैया नकल बना दे दो, आज की जबान में दे दो भैया इनका नाम चढ़ा के नकल बना दो। तारीख कहती है नकल ले लिया भाई, नकल आज का लफ्ज है मतलब प्रॉपर्टी के पेपर ले लिए। चली जा रही थी, वो आ रहा था, कोई वकीलवा कहाँ गई थी? कहा अपने हक लेने गई थी। तो ले लिया, देखें जो इतनी मेहनत से मिला है आसानी से दे देंगी? हम पढ़ नहीं सकता, आप सोचिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जबरदस्ती छीन लिया, उसको चाक किया, वो जो पेपर था उस पर थूका, उसको पैरों से बोलिए रगड़ दिया। बीबी चली आई, इस बार भी मौला नहीं गए थे, मौला घर में है। क्या हुआ? पूरा किस्सा सुना दिया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मौला ने कहा कि जाने दीजिए। मौला ने कहा बोलिए जाने दीजिए।
बीबी ने कहा कि आज के बाद से कोई नाम नहीं सुनेगा। हो गई बात। अब यहां पर कुछ एतराजात हैं, एतराजात की फेहरिस्त गिना देता हूं, जाता हूं मसायब पर। जो एतराजात हैं उसका जवाब अगले साल। सलवात बर मोहम्मद वाल। जहां पब्लिक का मिजाज हो हमारी मर्जी से पढ़ो तो वहां तो ये बात फंसेगी ना। दिक्कत तो ये होती है, वरना तो आज कल और आज मिला के पूरा होने था। सलवात बर मोहम्मद वाल। खैर तो पहला एतराज, गलत किया छीन लिया, बोलिए गलत किया ना। ठीक है गलत किया, तो जब चौथे नंबर पर अली खलीफा बने, फातिमा तो नहीं थी, चार वारिस उनके मौजूद थे, अली को मिला करके शौहरियत पांच वारिस मौजूद थे। चलिए आपको नहीं मतलब है, अपना ना लीजिए आप, चार वारिस तो है ना, दो बेटे दो बेटियां जनाब फातिमा की आए ना। अगर हक था फातिमा का, बोलिए उन्हीं से तो कह रहा हूं कि हम माशाल्लाह कहेंगे। सलवात बर मोहम्मद वाल। तो मौला ने क्यों नहीं दे दिया? नंबर एक का ये एतराज इस बिना पर है कि हम छीनने के सबब को नहीं समझ पाए हैं। फातिमा या अली या अहले बैत, इसकी परवाह इनको नहीं है। अब आइए छीना क्यों जा रहा है, तब तय होगा कि मांगा क्यों जा रहा है। सलवात दर मोहम्मद। आमदनी कितनी थी? 1,20,000। ये अपने ऊपर खर्चा करते, बोलिए कहां जाता, कहां जाता? जरूरतमंद है आप, है मौला लड़की की शादी, ले जाओ। मौला खाने को नहीं है, ले जाओ। दो ये दिन में तो खत्म हो जाता। सबसे पहली चीज ये है कि अपने मुखालिफ को अगर दबाना है तो उसको इक्तसादी एतबार से कमजोर करो। अगर इनके पास फदक की आमदनी आती रहेगी तो दरवाजे से पैसा बटता रहेगा, और जब तक पैसा बटता रहेगा लोगों को गदीर याद रहेगी। और कभी भी हंगामा हो सकता है। तो पहला काम यह कि इनको पैसे से तोड़ो, न बटेगा न पब्लिक आएगी। फिर हाथ दे दिला करके और डंडे के जोर पर हम दाब सकते हैं, एक मकसद यह है। तो इन्होंने फदक को बस उसमें है, जो उसने कहा साहब अगर वापस कर दोगे, ये भी है, तो फौज का खर्चा कैसे चलेगा? तो हमने कहा वो कहा हो या ना कहो, लेकिन इतना अगर गढ़ा भी है तो इतना तो समझ में आ गया कि साहब इतनी आमदनी थी जिससे फौज का खर्चा चल सकता था, समझ तो माना जाएगा ना। सलवात दर है, वो किताबों में बात कर सकते हैं। तो अब जो उलमा हमारे फरमाते हैं वो ये, शहीद सदर रिजवानुल्लाह अलैह की भी एक किताब इस पर है, मसला फदक करके, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा है कि ये असल में मसला जायदाद या पैसे का था ही नहीं, ये मसला सिर्फ और सिर्फ इमामत का था और हुकूमत का था। और फातिमा ने भी जो मुतालबा किया है वो पैसे के लिए नहीं किया। जब पहला मैटर हल हो जाता तब आगे बढ़ती कि जैसे ये छीना वापस किया अब वैसे ही इमामत छीनिए वापस करो। ये मैं अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं, शरह इब्ने अबिल हदीद मुतजिली है ना, खुद अबिल हदीद मुतजिली कहते हैं कि मैं नहजुल बलागा पढ़ रहा था, अपने फला उस्ताद के पास नाम बोल रहा हूं, तो मैंने कहा कि साहब ये बताइए कि ये जो है वो खुतबा अली का है,
तो उस्ताद ने कहा हाँ, कहा तो इसमें तो अली मुत्तहम कर रहे हैं। कहा भाई मेरा काम अदब पढ़ाना है, तारीख नहीं है, समझ रहे ना, मेरा काम अदब पढ़ाना है। तो उसी में वो कहते हैं कि मैंने एक दिन उस्ताद से पूछा, ये बताइए सर फातिमा जहरा हक बजानिब थी या नहीं थी। तो मेरे उस्ताद ने कहा भाई थी तो हक बजानिब। कहा जब वो हक बजानिब थी तो दिया क्यों नहीं गया। इब्ने अबिल हदीद कहते हैं मेरे उस्ताद मुस्कुराए, कहने लगे भैया ये तो इब्तिदा थी, अगर पहले ही दिन दे देते तो अगला मुतालबा शुरू होता। तो इन्होंने सोचा यहीं से काम ख़त्म करो। तो फातिमा जहरा को माल की ज़रूरत नहीं थी, फातिमा ने फदक को जरिया बनाया था हक़ विलायत अली को लेने का, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब चौथे मरहले पर अली को खुद ब खुद मिल गई है, अब अली अगर फदक लेके दे दे तो फातिमा की नीयत पर शक होने लगेगा, समझ रहे हैं। सलावत दर मोहम्मद वाले, कल लगा चलिए साहब अली ने नहीं लिया, ये आपकी बात समझ में आती है। जब फिर दूसरों की हुकूमत आई बनी उमैया वगैरह की और वापस करना चाहा तो लिया क्यों नहीं, दिया गया है मगर किसी इमाम को नहीं दिया गया, फदक पलटा है कुछ हिस्सा कुछ, इमाम को नहीं पढ़ दिया गया और न इमाम ने लिया। इमाम काजिम अलैहिस्सलाम के पास बात आई, उन्होंने कहा मियाँ अभी हदूद बता देंगे जो है हालत ख़राब हो जाएगी बेटा, समझे आप, तो नहीं लिया। इन लोगों ने दिया, बाज ने दिया किसको, वो साहब जो है वो अकबरपुर के किसी गांव से एक कोई कोने से सैयद निकाल के लाए, ये औलाद फातिमा फदक इनका। अबे जब इमाम मौजूद है तो इनसे क्या मतलब, सवाब है सवाल है ना। तो अब आइए इमामों से पूछे साहब आपके इख्तियार में तो नहीं है ना हुकूमत, आपको दिया जा रहा है तो क्यों नहीं ले रहे हैं। और कई बार हुआ ऐसा, तो उसका जवाब यह है कि क्या समझ है? हम नीयतों को जानते हैं। ऊपर तो बहुत मुस्कुराने वाले साहब हम आपके आशिक हैं, फदक ले लीजिए बहुत मिलेंगे, नीयत क्या है, क्या वाकई ये फदक देना चाहते हैं ना। फिर ये वक्तन फवक्तन जो हम कभी कभी हुकूमत पर एतराज़ कर देते हैं, ये गलत है ये गलत है ये गलत है, उसके लिए इनको बहाना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि हमको फदक पलटा दें, चुप हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो होना नहीं है तो ये क्या करेंगे, दो चार साल के बाद फिर वापस ले लेंगे। और अब जब हम बोलेंगे तब ये कौम में कहेंगे अरे ये फदक फदक कमाने में हुकूमत के खिलाफ ऐसे थोड़ी है, वो फदक ले लिया ना इसलिए हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हम बोलेंगे खुदा की खातिर, ये उड़ा देंगे फदक की खातिर, तो हम वो मौका ही नहीं आने देंगे। सलावत दर मोहम्मद वाले, बस और भी इश्कालात हैं इस पर इतराज आते हैं इंशाल्लाह किसी बात पर। अब आइए सब कुछ हो गया, फिर वही हमारे गांव की जबान में इतना दम है हर चीज में ले गया। हमारे यहाँ एक मसल बोली जाती है, मुहावरा बोला जाता है, गाना है तो शद्दू भाई मार पीछे है ना, ये सब भी इसी चलाकी में थे कि ऐसा करो अभी सब अपना सेट कर लो, उसके बाद रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी तो है ही है, जाके हाथ पैर जोड़ लेंगे काम हो जाएगा। इनको क्या पता बेटा कि तुम्हारा मुकाबला फातिमा से है। एक बात बताऊं आपको, औलाद के अंदर असर, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं बताइए, माँ का ज्यादा होता है कि बाप का, माँ का बाज रिवायत में 3/4 माँ का 1/4 बाप का। इमाम हसन किसके बेटे हैं,
जनाब फातिमा की बात चल रही। माँ इमाम हुसैन किसके बेटे हैं? आदमी आ करके साहब शाम से गाली बक रहा है और ये कह रहे कहा बाबू भूखे हो, सवारी नहीं है, कर्जा है, मकान नहीं, हमें कुल कर देंगे। अरे आपकी औलाद इस तरह से बात कर रही है और आप मरते दम तक वसीयत कर दिया जनाजे में ना आवे। करबला में घेर के इमाम हुसैन कौन लाया था? खाली माफे थोड़े किया, कहने लगे अरे हुर हमें तुम्हारी अम्मन कितना बढ़िया नाम रखा था तुम्हारे, हैं तुम यहां भी आजाद वहां भी आजाद, ये किसके बेटे हैं? बेटों को तो इस तरह मिजाज माफ करने का और अम्मा इतना सख्त, ये कैसे हो सकता है? सलावात बर मोहम्मद अब ये लोग हमारे देहातों की तरह से इनके दिमाग में चलो यार अभी अपना माल सलटा लो फिर बाद में देखा जाए सुलह तो हो ही जाएगी। हाँ अपना मामला सेट कर लो। कितनी जगह है कि आज से 10 साल पहले के यार मान जाओ सुनने वाले को गए हैं आज कहाँ आजमगढ़ के कहा सुलह नामा हम कहते 10 साल पहले कहाँ रहे यार, है ना? तो कुछ लोगों का मिजाज होता है आज हो जाए और सुलह कर लेंगे। ये यही केस जनाब फातिमा के साथ गेम खेलना चाहते थे। जनाब फातिमा ने कहा आओ हम बताते हैं बेटा। देखिए अगर अपनी मुसीबत की बात होती तो फातिमा भी वही करती जो हुसैन ने किया। अगर अपना मैटर होता तो फातिमा भी वही करती जो इमाम हसन ने किया। लेकिन ये बात कहा गया, कही जा चुकी कि फातिमा फदक का मुतालबा अपने लिए नहीं कर रही थी, हक अली के लिए कर रही थी। अली का हक वापस हो गया होता तब बात होती कि माफ क्यों नहीं किया। सलवात बर मोहम्मद और कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह बताता हूं मैं भी। हो गई बात तो इन्होंने कहा यार अब तो सारा मामला सेट हो गया, अब एक ही केस बचा है तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही है, लोग जो है वो कह भी रहे हैं अच्छा डर के मारे कोई ना भी बोले तो अंदर तो रहता है नहीं है जो हक मार के बैठे हैं, तो यार उसको कुछ सेट करो। तो सेट करने की यही तरीका है कि चल के माफ़ी मांग लें। रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी तो हई हैं, काम अपना हो ही चुका है, बस खाली इज्जतें अपना बहाल करनी है, हो जाएगा। ये लोग लगे मौला के पास, साहब जरा बात करें आप, बात कीजिए आप। पहले नहीं समझ में आता, कई बार मैंने पढ़ा इसको, यार मौला ने क्यों मान लिया? सवाल होगा कि नहीं होगा? एक दिन मिंबर पर ऐसे ही पढ़ रहे थे और फिर दिमाग ना था मौला ने क्यों मान लिया। तब तक क्लिक हुआ कि अगर मौला ना मानते तो सारा इल्जाम मौले पर तो जाता। मतलब अरे नहीं फातिमा ऐसी नहीं थी, मगर भाई जाहिर सी बात है कि वो जौजा थी, हम लोगों ने ख्वाहिश तो की कि मिले तो माफी मांग ले, मगर अली ने जो है वो होने ही नहीं दिया, है ना? सारा इल्जाम मौला पे लगा देते। मौला का भैया हमसे नहीं मतलब है, आके खुद अपना आजमा लो तुम, मिलना चाहते। मौला ने कहा आ जाओ, आए घर में। इस पर भी कह सकते थे मौला क्या भाई आपकी बात पहुंचाई, फातिमा राजी नहीं है, खत्म है, मगर उसमें भी घुमा देते। अरे वो राजी कैसे न होती, अली चश्मे नहीं करते थे। आप गौर कर रहे नहीं कर रहे? आए फातिमा ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। फरमाया मगर मैं नहीं मिलना चाहती। सही बात है, आके यही नकल कर देते मौला। लेकिन मौला ने कहा ना मिलवा के छोड़ेंगे। हे फातिमा मैंने हाँ कर दिया। फरमाया अलबैत बैत आपका घर है, आपको इख्तियार है, बुला लीजिए। मौला ने कहा आ जाओ। चादर में लिपटी हुई सलामुनलैकुम दस घूम के आए, सलामुनलैकुम या बिनते रसूल सला। जब बहुत हुआ तब बीबी ने रुख किया मौला की तरफ, इन लोगों से पूछिए तो इन्होंने मेरे बाबा की हदीस सुनी है कि नहीं सुनी है? जरा पूछिए, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। मौलाना का बोलो
ये सब फंस गए कि यार ज्यादा ना नकुर करने में कहीं केस खराब ना हो जाए। बात समझ नहीं समझ रहे यार, अपनी गरज है, अपना काम है, बात सही भी है, हाँ कर लो, शायद मामला सलट जाए। अब इतना तो हुआ ना कि पूछ रही है, हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा मेरा जूस है, जिसने फातिमा को हसीयत उसने बजाय मौला की तरफ रुख करने के इन सबों के सर उठा लिया आसमान की तरफ। पालने वाले गवाह रहना, मैं इन लोगों से नाराज हूँ। और हर नमाज के बाद इनके लिए बद्दुआ, बोलिए हो गई ना, लेकिन इतना जिद, तोबा 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 तोबा, कि मरते दम तक साहब कह दिया जनाजे में आओ, ये कौन सी बात है? हसन की माँ, हुसैन की माँ, कहना तुम लोग इनकी बदमाशी नहीं समझते, जनाब फातिमा ये ना करती ना तो क्या होता, सलवात बर मोहम्मद। एक साहेब हैं इब्ने तैमिया नाम है उनका, उनको कभी आप उर्दू में तो अवेलेबल नहीं है शायद, ये जानते हैं क्या करते हैं, जितनी हदीसें अहले बैत के तई हैं, नंबर एक, अरे वो आदमी ठीक नहीं था जो नकल कर रहा है, वो तो झूठा था, उसको तो फलाने ये कहते हैं, अगर वो नहीं कर पाए तो साहब आप कहें उनका ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है, आप कैसे कह रहे हैं गलत है, हाँ तो आप क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। इससे कोई फजीलत नहीं निकल रही है, इससे कोई फजीलत नहीं निकल रही है, वो भी नहीं कर पाए तोड़ पाए तो मुकाबले में एक तो दूसरी हदीस कर देंगे, अगर ये है तो ये भी है। अब समझ गए ना इब्ने तैमिया का मिजाज क्या है, इस केस में ऐसा कांड है ये कि इसमें इनकार नामुमकिन है कि फातिमा ने कहा ये लोग मेरे जनाजे में शरीक ना हो, ये ऐसा केस है जिसका इनकार हो ही नहीं पा रहा है। तब जानते इब्ने तैमिया नया क्या निकाला, कहले ये वसीयत फातिमा की उन्होंने अपना नुकसान किया करके, बोले लोगों से क्या मतलब, देखिए कैसा घुमाया, हमने कहा तुम चाहे जो घुमाओ, हमारा उल्लू सीधा हो गया, इसका मतलब हदीस इनकार के लायक नहीं है। अब वजह तो आप निकाल रहे हैं, हम माने चाहे ना माने, करना फातिमा ने अपना नुकसान किया, क्या मतलब, कहा भाई जितनी ज्यादा पब्लिक आती उतनी ज्यादा नमाज जनाजा में लोग शरीक होते, उतना फातिहा मिलता, उतना उनके हक में दुआ होती, रोक करके अपने ही तो नुकसान किया। हमने कहा चलिए ठीक है, इससे फातिमा का नहीं कुछ बिगड़ेगा, आपकी मारिफत का अंदाजा हो गया, आपकी मारिफत का अंदाजा। अब सवाल ये कि वाकई जनाब फातिमा ने क्यों वसीयत की, वसीयत पढ़ चुका हूं ना, आखिर में क्या फरमाया, जिन लोगों ने सताया है, तो अब मैंने समझा दिया आपको ना, इब्ने तैमिया टाइप के लोगों के, इनको बस खाली चांस मिलना चाहिए, अगर फातिमा ये ना करती ना, और वो हो चुका है, गई सलाम किया जवाब नहीं दिया, हाँ अरे वो ताज़ा मामला था ना, अरे भाई किसी का भी जब दिल दुखा होता है तो सुलह उलह करने में जो है वो होता है, अरे यार रुको 15 दिन थोड़ा गुस्सा ठंडा हो, तो ये होता है नहीं होता, वो ताज़ा ताज़ा मामला था इसलिए इस तरह कह दिया, मरते मरते मामला सही हो गया था, ये गढ़ने ना पाए कोई, फातिमा ने वसीयत की ये लोग मेरे जनाजे में शरीक। मन्नत मांग, मिन्नत कर, दुआएं मांग ले, लेकिन अगर नाराज हो जहरा रजी अल्लाह नहीं मिलता। बस कल कहां तक बात पहुंची थी, जब मेरे बच्चे आ जाएं तो उनको खाना खिला लेना है ना, आराम आराम से,
इसलिए कि अब कल पढ़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो आज उसको धीरे से पूरा करते हैं। सुनो सुनो, जो छूट जाएगा अगले जाकरीन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल यहाँ बात आई कि इमाम हसन ने अपने आप को माँ के सीने पे गिरा दिया और इमाम हुसैन माँ के पायती आए, माँ के तलवों को अपने रुखसार से मलना शुरू किया। यही खत्म हुई थी बात ना, अम्मा तुम्हारा लाल आया है, अम्मा तुम्हारा हुसैन आया है, अम्मा अपने हुसैन का जवाब दो वरना हुसैन की रूह जिस्म में बाकी न रहेगी। कहते हैं कि जब ये मंजर देखा तो कुछ देर तो शायद रोने दिया हो कि भाई थोड़ा भड़ास निकल जाए, फिर अस्मा आई, बस करो अब तो जो होना था हो चुका ना, जाओ बाबा को इत्तला दे दो। आराम आराम से सुनिए, जाओ बाबा को इत्तला दे दो। आए मस्जिद में, कमसिन है ना, कुछ कहने की जरूरत है। तारीख में है, आए बाप को देखा, बखाली इतना ही कह पाए, बाबा हम यतीम हो गए बाबा, जज़ाकुम रब्बकुम, हम यतीम हो गए बाबा। वही मस्जिद में मौला गिरे, गश आ गया, बहरहाल होश में लाया गया। ये रिवायत अगर मानी जाए और दिन का वाकया माना जाए, मस्जिद में मौला को इत्तला मिली, छुपने वाली चीज है सर। अब आप छुपा सकते हैं फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत को, इस एतबार से रिवायत कहती है अब मौला मस्जिद से चले, पीछे पीछे पब्लिक, जिसको जिसको इत्तला होती जा रही है पब्लिक है कि दरवाजे पर मजमा बढ़ता जा रहा है, अब क्या होगा। उनकी वसीयत है कि ये लोग मेरे जनाजे में शरीक ना, क्या किया जाए। अंदर कुछ मीटिंग हुई, किताबों में है कि जनाब अबू ज़र निकले बाहर, अंदर जो डिसाइड हुआ, अब खास खास लोगों में अपने जो घर की तरह है, तो उस बात को बयान करने के लिए घर से बाहर कौन निकला, अबू। मदीने वालों, यहाँ रुकने से कुछ नहीं होना है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, अभी फातिमा की तदफीन नहीं होनी है, किसी वजह से उनकी तदफीन में ताखीर की जा रही है, आप लोग जाइए। पब्लिक चली गई। अब जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा, अच्छा उस जमाने में ये तसव्वुर नहीं हो सकता था कि खामोशी से रात में कोई दफनाया भी जा सकता है, चले गए अब तो लगता है कल ही का होगा, सब मुतमईन हो गए। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो मौला ने खास को खास अपने बुलाना शुरू किया। किताबों में है कितने लोग थे, मिन जुमला उसके सलमान फारसी। अब मेरी समझ में नहीं आता कि सलमान को खबर नहीं थी, कहीं बाहर थे, क्या था, इसलिए कि जो रिवायत कही थी वो ये कि सलमान को उस वक्त तक पता नहीं था। एक सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए, अगर किसी की माँ का इंतकाल हो जाए और उसके छोटे छोटे 4 साल 3 साल 5 साल के बच्चे हों, तो उन बच्चों से काम लिया जाता है, लेकिन हाय मेरा मौला क्या करे, सलमान कहते हैं मेरे दरवाजे पर अचानक दक्कुल बाब हुआ, मैं निकला, मैंने देखा फातिमा के दोनों यतीम। अरे आप खैरियत, सलमान अम्मा को कत्ल कर दिया गया। सलमान चलो बाबा ने बुलाया है, ये स्पेशल बुलाए जा रहे हैं, चलो बाबा ने बुलाया है, अम्मा की तदफीन में शिरकत कर लो। ये जिसके ऊपर पड़ी है ना वो समझता है, और सबको कभी ना कभी सबके ऊपर आई है। किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए,
माँ बाप कोई अजीज, तो जिस वक्त रूह निकलती है घर वाले उस वक्त बिलख के रोते हैं, है ना, उस वक्त तड़प के रोते हैं, फिर काम है, थकान है, आदमी रोते रोते चुप हो जाता है। लेकिन लाख थक गया हो, जैसे ही कोई अपना दिखता है, ये फितरत है क्या नहीं है, जैसे ही कोई अपना दिखता है आदमी का गम ताजा हो जाता, बिलबिला उठता है। यह है अकली बात है, किताब की बात नहीं। कहते हैं कि आप मौला अकेले बैठे बाहर, इतने में देखा सामने से सलमान चले आ रहे। जैसे ही सलमान पे नजर पड़ी, सब्र का बंधन टूट गया, तड़प के खड़े हो गए, कलेजे से लगाया, सलमान जहरा को कत्ल कर दिया गया, सलमान जहरा को शहीद कर दिया गया। हे सलमान, जानते हो मैंने तुम्हें बुलाया क्यों है? अब जरा सोचिए इस वक्त मौला को याद क्या आ रहा है। हे सलमान, जानते हो मैंने तुम्हें बुलाया क्यों है? मौला क्यों हो का सलमान, फातिमा की रुखसती याद है ना? रसूलुल्लाह के घर से फातिमा के नाके की मेहार पकड़ के मेरे घर तक नबी की तरफ से तुम ही तो लाए थे। हे सलमान, मैंने इसीलिए बुलाया है, तुम लाए थे, चलो आखिरी मंजिल तक भी पहुंचा दो। जज़ाकुम रब्बकुम। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार हो गया। अब यहां पर लिखते हैं हमारे उलमा कि मौला ने कहा आओ हलुम्मु तज़व्वदु मिन उम्मकुम, आ जाओ देख लो आखिरी बार अम्मा को। हलुम्मु तज़व्वदु मिन उम्मकुम। अब जो रिवायत कहती है, जैसे ही शहजादे आगे बढ़े, फहन्नत व नादत व साहत व मदत यदैहा व दम्महुमा इला सदरहा मलिया, बंदे कफन टूट गए, बीबी की एक चीख निकली, दोनों हाथ बरामद हुए, बच्चों को कलेजे से लगा। जज़ाकुम रब्ब, बच्चों को कलेजे से लगा लिया। मौला यहां पर कसम खा के फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जिस वक्त बच्चे मां से लिपट के बयान कर रहे थे, मेरे कानों में जमीन और आसमान के दरमियान से आवाज आई, अली बच्चों को मां से अलग कर दो। अरे फरिश्तों में कोहराम बरपा। अब एक मिसाल और बस आगे बढ़ता हूं। कभी कभी होता है इंतकाल हो गया, अम्मा का अब्बा का मर गए, लड़का साहब सऊदीया में है, कल शाम तक पहुंच पाएगा, तो लोग कहते लड़का आ जाए, बर्फ रख देते हैं, ये रख देते हैं, तो अब 24 घंटा हर वक्त थोड़ी कोई रोएगा, घर वाले चुप हो जाते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद सही, हमने तो सऊदीया से जनाजा आते देखा है, 40-40 दिन बाद घर से जनाजा उठता है, जिस वक्त घर से जनाजा निकलने लगता है ना, उस वक्त कोई औलाद को चुप नहीं करा सकता, ये फितरत है कि नहीं है? जिस वक्त घर से जनाजा ले, वो भी मां का, चाहे जितने दिन के बाद, आप
बताइए इंसाफ से, अभी तो आपको सुनाया ना कल कि माँ के पैरों को मलते थे, अम्मा वो हुसैन जनाजा निकले कैसे खामोश रहेंगे, है ना हसन कैसे खामोश रहेंगे। तब तो हम तो कहता है जिस वक्त जनाजा घर से निकले निकला हो उस वक्त इमाम हुसैन को चिल्लाना चाहिए था, है ना, उस वक्त इमाम हुसैन को तड़पना चाहिए था, लेकिन मजबूरी क्या है, अम्मा की वसीयत है ये लोग जनाजे में शरीक ना हो। अगर अभी बुलंद आवाज से रोते हैं दो चार को भी एहसास हो गया पूरा मदीना जान जाएगा, शरीक हो सकते हैं, अम्मा नहीं चाहती। कुछ समझ में आया, गम कहता है चीखो, मुसीबत कहती है तड़पो, लेकिन हालात कहते हैं आवाज न निकले। शायद यही वजह है, बाज बुजुर्गों का कहना है आगे आगे फातिमा का जनाजा है, पीछे पीछे हसन और हुसैन गरीबान में मुंह डाले, आहिस्ता आहिस्ता सिसकते हुए। माशाअल्लाह खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। जज़ाकुम रब्बी। एक मिनट की बात है, एक और, वरना ना इंसाफी होगी ना। अगर मौला का गम न बयान हो कि मेरे मौला की हालत क्या थी, कैसे खत्म कर दी जाए मजलिस। लेकिन एक सवाल, गम कहता है चीखो, है ना, मुसीबत कहती है तड़पो, हालात कहते हैं आवाज न निकलने पाए, तो जब हसन हुसैन नहीं रो रहे हैं तो मौला रो सकते हैं, बोलिए। और अगर मौला रोने लगे तो फिर और कौन किसको बचाएगा, चुप कराएगा। तो अक्ल कहती मौला भी खामोश, लेके आए। जनाजे में शिरकत की है आप लोगों ने, है जनाजों में बहुत शिरकत की है ना। एक औरत के जनाजे के लिए कितने आदमी चाहिए दफन, बोलिए। कम से कम दो लोग नीचे हो सिरहाने और पायते, दो ऊपर हो एक, कम से कम पांच आदमी लगेंगे ना, वो भी महरम। हाय उस रात की तारीकी में, अरे मेरा मौला क्या करे। माशाल्लाह खुदा आज इन बच्चों के सीने से सब्र निकाल ले। बताऊं शियो, बताऊं तुमको, सैयदो बताऊं तुमको कि तुम्हारे मां की तदफीन की कैफियत क्या थी। आधी रात को कहां से ना, रिवायत कहती है मौला को किसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, अभी भी इतनी कमजोर हो गई थी कि अली ने बच्चों की तरह अकेले जहरा का जनाजा। जज़ाकुम रब्ब। रुकिए रुकिए, मौला ने बच्चों की तरह जनाजा 18 साल की जहरा कितनी लागर हो चुकी। अगला मसला है कब्र में किसको उतार दे, हसन को हुसैन को। लगता है रसूलुल्लाह समझ रहे थे मजबूरी को, बाज़ बुजुर्ग
लोगों का फरमाना है, लेके आगे बढ़े। दो हाथ पैगंबर के हाथों की शबी बरामद हो गए। अली ला, मेरी अमानत मेरे हवाले। फातिमे ज़हरा को दफन कर दिया गया, तकसीम हो गई। अब तो कोई डर नहीं है ना, अब तो तकसीम हो गई ना। अब तक न रोने वाला मौला, जब फातिमा दफन हो गई तो रिवायत कहती मेरा मौला फातिमा की कब्र पर बैठ गया, रुख किया रसूलुल्लाह की कब्र की तरफ, सलाम हो या रसूलुल्लाह, मेरी तरफ से आपकी बेटी की तरफ से। अभी आपको बतलाएंगी कि आपके बाद क्या हुआ है या रसूलुल्लाह। उसके बाद कहते कहते आप सोच सकते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सब्र का मादा अगर किसी में है तो उसका नाम है इमाम। इमाम से बड़ा साबिर कोई नहीं हो सकता। कहते लेकिन पैगंबर से खिताब करते करते अचानक मेरा मौला कहता है, कल या रसूल अल्लाह हर सफीयत का सबरी, या रसूल अल्लाह मगर आपकी चहेती की जुदाई अब अली से पर्दा। अब्बास चचा आगे बढ़े, अली का बाजू थामा, पकड़ा के किसी सूरज से घर। ज्यादा वक्त नहीं रुक जाए, रात गुजर गई, रात गुजर गई। अब लोगों को एहसास, अरे ये तो चूक हो गई, फातिमा को तो रात में दफन कर दिया गया, हमको पता ही नहीं चला। अब एक दूसरे को मलामतें हो रही हैं, ये कौन सी बात हुई। कुछ लोग घड़ियाल के आंसू बहाते हुए मौला के पास आ गए, अच्छा नहीं किया आपने, हमारे नबी की बेटी थी, हम शान से जनाजा उठाते, हम नमाज पढ़ते, ये क्या किया आपने। मौला ने कहा, भैया मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मैंने जो किया है उनकी वसीयत की बुनियाद पर किया, मैं कोई जवाब दे नहीं। कहा ठीक है, तो आपको जो करना था कर लिया ना। हम जा रहे हैं, हम कब्र खोदेंगे, सुनिए आप, हम कब्र खोदेंगे, लाश निकालेंगे, नमाज जनाजा पढ़ेंगे, शान से जनाजा उठाएंगे। अब ये वो जगह है जहां तारीख कहती है मौला को अब जलाल आया। जब ज्यादा गुस्से में होते थे जर्द आबाद वो दोष पे डालते थे, जुल्फकार हाथ में लिए आ गए, आ जाओ, कई कब्रें बनाई थी, हाथ लगा के देख लो, हाय हाथ लगाओ। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा रे यार क्या करने जा रहे हो तुम लोग। कहा क्यों। कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि अली जब मिट्टी के घोड़े पे सवार हो, मुंह से झाग निकल रहा हो, पीली रेदा दोस्त सामने मत आना। अब जब उसने हदीस सुनाई डर गई पब्लिक, ठीक है अली आपकी जो मजबूरी थी, आपने जो किया ठीक किया, अच्छा चलो। बस पांचवा दिन है, इमाम हसन कहते हैं, ए हुसैन तुम्हारी करबला से बढ़ के कुछ नहीं है, लिहाजा ये आखिरी दिन सही चले चलिए। मैं कहता हूँ मौला आप मौजूद थे, खड़े हो गए, आपने फातिमा की कब्र नहीं खुदने दी, लेकिन हाय 6 महीने का बच्चा नैजा चुभो चुभो के बच्चे की लाश निकाली।
या हुसैन, जहीन लोगों से गुजारिश है कि जहीन साहब और उनके हमनवा जो है तशरीफ लाए, नवाखानी करें, ऐलान सुन लें। कल ठीक 10 बजे इसी मुकाम पे कुरान खानी होगी, उसके बाद मजलिस इसाले सवाब मजलिस बरसी आले हसन साहब इसी मुकाम पे ठीक 11 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी, जिसको हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना सैयद तकी हसन नूरी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आप लोग पाबंदी वक्त के साथ 11 बजे तक तशरीफ ले, उसके बाद बाद मजलिस नजर मौला का अहतमाम किया गया है। कल इसी मुकाम पे ठीक 10 बजे दिन में कुरान खानी होगी, उसके बाद मजलिस होगी, मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना सैयद तकी हसन नूरी साहब क़िबला, उसके बाद नजर मौला का अहतमाम किया गया है। और इस सिलसिले का एक खमसा तमाम हुआ, कल से दूसरे खमसे का आगाज अल्लामा फराज वास्ती साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे, आप लोग शिरकत फरमाएं। या हुसैन, और टेरिस पे नजर मौला का अहतमाम है, आप लोग नजर नोश फरमा ले जाके। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली। हजरात, चूंकि कल यहाँ पर महफिल भी है, इसलिए इस खमसे की, इस सिलसिले के 18 मजालिस की जो मजलिस होगी, कल बाद नमाज मगरबैन फौरन शुरू हो जाएगी। कल नमाज मगरबैन के फौरन बाद इस सिलसिले की 6 मजलिस शुरू हो जाएगी, जिसको अल्लामा फराज वास्ती साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। कल शब में मगरबैन के फौरन बाद मजलिस में शिरकत फरमाएं। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। मैं तो वो हूँ के या रसूल अल्लाह, जिसकी ताज़ीम आप कहते थे, नाम लेना हो जब मेरा बाबा, आप पहले दरूद पढ़ते थे। अरे क्या बताऊं के मुझ पे क्या गुजरी, उसने तू कहे के जब बुलाया है, सारा दरबार मुस्कुराया। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार, जैसे जैसे बतूल रोती थी, कहे उन्हें के बढ़ते जाते थे, साथ जिनको बतूल लाई थी, अश्क दोनों गवाह बहाते थे। अरे सब थे मसरूफ़ मुस्कुराने में, ना किसी को भी तरस आया है, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुरा।
मैं तो वो हूँ के यार रसूल अल्लाह, जिसकी ताजीम आप करते थे, ना मिले ना हो जब मेरा बाबा, आप पहले दरूद पढ़ते थे। क्या बताऊं के मुझ पे क्या गुजरी, उसने तू कहे के जब बुलाया है, सारा दरबार से तम उठाया है, आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हर एक से तम उठाया है, आपकी बेटी ने बाबा मदीने आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है, आपकी बेटी ने बाबा मारा
तमाचों से कभी दरवाजा गिरा कर जख्म गहरा मुझे लगाया है आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का दरवाज़े में गहरा मुझे लगाया है जीने बाबा आपकी बेटी ने बाबा भी मारा गया तमाचों से कभी दरवाजा आया है आपकी बेटी मदीने वालों का अरे किसी तम उठाया आपकी बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है आपकी बेटी बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है आपने रुकी जहा तती पढ़ी और ताजीम भी की है जैसे वो मत ने घर का दरवाजा जला के आपकी याद को जलाया है आपकी मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है कभी मारा गया तमाचों से कभी दरवाजा गिरा के जख्म गहरा मुझे लगाया है आपकी मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है आपकी जहा पढ़ी में भी की मुझको लगता है जैसे वो मत ने घर का दरवाजा जला के आपकी याद को जलाया है आपकी बाबा मदीने वालों का हर एक
कदम उठाया है आपकी बेटी ने बाबा कभी मारा गया तमाचों से कभी दरवाजा गिरा के जख्म गहरा मुझे लगाया है आपकी बेटी ने बाबा मदीने है आपकी बेटी ने बाबा जलता हुआ दरवाजा जिस वक्त गिरा मुके बल डर के नीचे बेटी को फेजा ने बचाया मदीने वालों का हरेक सितम उठाया है आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हरेक सितम उठाया है कभी मारा गया तमाचों से कभी दरवाजा गिरा के जख्म गहरा मुझे लगाया है आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हरेक सितम उठाया है आपकी बेटी ने बाबा मेरे बाजू पे जैसे मुझको महसूस ऐसे अब्बास के बाजू काट कर सीने से गिराया है बेटी ने बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है आपकी बेटी ने बाबा जलता हुआ दरवाजा जिस वक्त गिरा भूखे बल बाबा गिरी घर के नीचे चलते दरवाजे से बाबा मुझको फिजा ने बचा सितम उठाया है आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हरेक सितम उठाया है कभी मारा गया तमाचों से कभी दरवाजा गिरा के जख्म गहरा मुझे लगाया है आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है ततहीर पड़ी और ताजीम जैसे
जला के आपकी याद आया है आपकी फातिमा जहरा फातिमा जहरा फातिमा जहरा फातिमा जहरा या जहरा या जहरा फातिमा जहरा फातिमा जहरा फातिमा ए मेरी बीबी ए मेरी बीबी तेरे दर पे इस्तगासा है तेरा ममनून मेरी शहजा दिए जहां सारा है या ज़हरा तेरे दिल पर जो सितम टूटे जिंदगी में जो तूने गम देखे आसमानों जमी पे गए होते मिसले शब वो सियाह हो जाते आजा हरा ए मेरी बीबी ए मेरी बीबी देख कर तेरी मुसीबत को सारे आलम का दिल मसायब से पारा पारा है आजा फातिमा जहरा फातिमा जहरा फातिमा जहरा फातिमा जहरा तेरे दे पेस्ते
साहिब ये जहां सारा है फातिमा जहरा फातिमा जहरा फातिमा जहरा फातिमा जहरा या जहरा या जहरा या जहरा तू हमें हे थे और अमा दे दे अपनी चादे का साहिबा दे दे तेरी कुदरत में क्या नहीं बीबी दो जहां दे दे ऐ मेरी मजलिसे पे और मुसल्ले पे हर जवा कहे आहा है रो रो के हम रहे ना रहे मगे बीबी ना कयामत रहे गमे सर पे ऐ मेरी बीबी मेरी बीबी तेरे आते हैं अपनी ओल सारा है फातिमा जहरा फातिमा जहरा फातिमा तुझको उम्मत ने यूं सताया है तुझको उम्मत ने यूं सताया है मरग़े मोहसिन पे भी रुलाया है तुझको बाबा के बाद ओ मत ने हाय दरबार में बुलाया है या जहरा मेरी बीबी ऐ मेरी बीबी कितने सदमे उठाए हैं तूने जीते जी तुझको मेरी शहजादी गम ने मारा है या जहरा उम्मत ने यूं सताया है मर
गे मोहसिन पे भी रुलाया है। के बाद वो मतिये आए दरबार में बुलाया है। कितने सदी में उठाए हैं तूने ए जीते जी तुझको मेरी सारा है। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैकुम या अबना रसूलिल्ला, अस्सलामु अलैकुम या अबना अमीर अल मोमिनीन व अबना सैयद अल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या अबना फातिमा ज़हरा सैयदत निसा अल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फजल अल अब्बास या अबना अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या शोदाए करबला व उसराए करबला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैकुम या मौला या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइन अल ज़ुफ़ा वल फ़क़रा, अस्सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या साहिब अल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनति ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफत अर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम इंस वल जान, क़द जल्लल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु मख़रजक व ज़ुहूरक, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह के कातिलों पर,